जारी है वो अल्लाह ताला के इल्म में है, अल्लाह ताला उसे जानते हैं, और फिर ये कि अल्लाह ताला ने उसे लिख लिया है। अब इन बातों के बारे में चंद सवालात पैदा होंगे जिनका तस्करा मैं आखिर में करूंगा। दूसरा मरतबा वो ये कि अल्लाह ताला ने अपने इरादे का जिक्र किया है और उसके साथ साथ इंसान के इरादे का भी जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने अपने बारे में इरशाद फरमाया, फ़ालुन लिमा युरीद, जो कुछ वो चाहता है उसे वो करता है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहु कुन फयकून, अल्लाह ताला जब किसी चीज को चाहते हैं तो सिर्फ उसे कुन कहते हैं तो वो वाकई पजीर हो जाती है। इंसान के इरादे का जिक्र किया, ग़ज़वे बदर के मौके पर जबकि हुज़ूर मदीने से निकल रहे थे उस बारे में सूरह अनफाल की आयत, तुरीदून अरादा दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, तुरीदून अरादा दुनिया, तुम इस दुनिया का सामान चाहते हो और अल्लाह ताला आखिरत चाहते हैं। एक दूसरा लफ्ज जो कि इरादे के लिए इस्तेमाल होता है वो है मशीअत, जिसका फ़ेल है शाअ, फरमाया वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और तुम नहीं चाहते हो इल्ला ये कि अल्लाह ताला चाहते हैं जो कि रब्बुल आलमीन। तो इसमें इंसान की मशीयत का भी जिक्र आ गया, वमा तशाऊन, तुम नहीं चाहते हो मगर ये कि अल्लाह ताला चाहते हैं, और अल्लाह ताला की मशीयत का भी जिक्र आ गया। इसी तरीके से इरशाद फरमाया, फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, तो जो शख्स चाहे वो अपने रब की तरफ एक रास्ता बना ले। तो ये है दूसरा मरतबा कि अल्लाह ताला ने अपने इरादे का जिक्र किया है और उसके साथ साथ इंसान के इरादे का भी जिक्र किया, अपनी मशीयत का जिक्र किया है और उसके साथ साथ इंसान की मशीयत का भी जिक्र किया है। तीसरा मरतबा, थर्ड स्टेज, वो ये कि कुल्ली इरादा सिर्फ अल्लाह ताला का और एक महदूद इरादा बंदे को दिया गया। अल्लाह ताला का इरादा मुहीत है, कुल्ली है, और उसके मुकाबले में इंसान का इरादा बहुत ही महदूद है, लिमिटेड है, और आप यूं कह सकते हैं कि इंसान का इरादा अल्लाह ताला के इरादे के ताबे। और इस दुनिया में अगर कोई वाकया होता है यानी इंसान के हवाले से, तो वो उसी वक्त होता है जबकि ये दोनों इरादे मिल जाए। मसलन ये कि आप एक इरादा करें, आपका इरादा है कि आप यहाँ से लाहौर जाएं, उसके लिए आपने सारा सामान भी कर लिया, बस का या प्लेन का या रेलगाड़ी का टिकट भी खरीद लिया, लेकिन अगर अल्लाह ताला का इरादा नहीं है कि आप लाहौर जाएं, तो फिर क्या होगा? आप लाख टिकट खरीद लें लेकिन आप लाहौर नहीं पहुंच सकेंगे। वो इसलिए कि अल्लाह ताला का इरादा नहीं है। हो सकता है वो ट्रेन कैंसिल हो जाए, वो जहाज की फ्लाइट कैंसिल हो जाए, वो बस अपनी मंजिल पे रवाना ना हो सके, यानी बेशुमार बहाने बन जाएंगे और आपका इरादा पूरा नहीं होगा। तो इस वजह से जब तक ये दोनों इरादे एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, उस वक्त तक कोई भी वाकया वकूअ पज़ीर नहीं होता है। और इसकी एक सादा सी मिसाल है, आप एक माचिस ले लें। अब आप माचिस की तीली लेके आप चाहती हैं कि आग जलाएं, और उसका तरीका यह है कि वो माचिस की तीली आप माचिस के ऊपर जो कार्बन है उसके ऊपर रगड़ें। ये पुराना तरीका, आजकल माचिस नहीं होती, यह होती है। बहरहाल, जब तक आप माचिस की एक तीली को अपने एक हाथ में रखें, माचिस को दूसरे हाथ में, डिबिया को दूसरे हाथ में रखें, दोनों को हिलाते रहें, आग लग जाएगी? आग नहीं लगेगी। जब तक कि उस माचिस की तीली को माचिस के कार्बन के ऊपर रगड़ा नहीं जाएगा, उस वक्त तक आग नहीं निकलेगी, शोला नहीं निकलेगा। तो जब तक ये दोनों इरादे जमा नहीं होंगे, इंसान का इरादा और अल्लाह ताला का इरादा, उस वक्त तक कोई वाकया इस दुनिया के अंदर वकूअ पज़ीर नहीं होगा। और इसकी दूसरी मिसाल, अल्लाह ताला ने हर एक चीज के लिए असबाब पैदा किए। अगर वो असबाब ना होते तो कोई काम नहीं हो सकता। आप फर्श के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं, खड़े हो गए, आप ये समझते हैं कि मैंने बड़ी आसानी से ये काम कर लिया, मैंने खड़ा होना चाहा, मैं खड़ा हो गया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इसके पीछे कितने असबाब हैं जो कि अल्लाह ताला ने पैदा किए। सबसे पहले तो इस जमीन को फ्लैट बनाया है, मुसत्ता बनाया है, जिसकी वजह से आप इस जमीन के ऊपर खड़े हो गए। वरना फर्ज कीजिए अगर ये एक तख्ता होता, इस तरीके से एक तख्ता जो कि डामा डोल हो रहा है, इस तरीके से हिल रहा है, उस पर आप खड़ा होना चाहें, आप नहीं खड़े हो सकते। लेकिन चूंकि जमीन मुसत्ता है, इस वजह से आप उसके ऊपर खड़े हो गए। कभी अगर आपने किश्ती का सफर किया है और किश्ती डामा डोल हो रही हो समंदर के अंदर या दरिया के अंदर, और फिर उसमें आप खड़ा होने की कोशिश करें, तो देख लें खड़ी हो सकते हैं कि नहीं खड़ी हो सकती। ये जहाज, हवाई जहाज जो कि अगर हवा के दबाव की वजह से ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उस वक्त इंसान कैसे खड़ा हो? तो अल्लाह ताला ने पहले ही असबाब पैदा किए। एक तो जाहिरी असबाब, इस जमीन का साकिन होना, और उसके बाद फिर दाखिली असबाब जो कि आपके अंदर पाए जाते हैं। ये जो जिस्म में आपके अंदर एक ताकत दौड़ रही है जिसकी वजह से आप खड़े हो गए, अगर ये ताकत ना होती, अगर आपकी टांगों में ये ताकत ना होती तो आप कैसे खड़े होते? एक शख्स फालिज गिर गया, पैरालाइज हो गया, अब वो लाख खड़ा होना चाहता, नहीं खड़ा हो सकता। तो ये दाखिली असबाब है, दाखिली और खारिजी असबाब सारे के सारे अल्लाह ताला ने पैदा किए। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि एक इरादा कुल्लिया है जो कि अल्लाह ताला का इरादा है।
और उसके बाद एक इरादा जुज़ईया है, एक पार्शल इरादा है इंसान का, महदूद सा इरादा है। उसी महदूद से इरादे की बिना पर इंसान जो है वो फिरौन बना फिरता है। जैसे फिरौन ने कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब हूँ। रूस, जिस जमाने में रूस के ऊपर कम्युनिज्म का गलबा था, तो रूस का एक पुराना सदर है जिसे आप ख्रुश्चेव के नाम से जानते हैं, तो उसने एक दफे कुछ सहाफियों को इन्वाइट किया, उसमें कुछ मुसलमान सहाफी भी थे, और ये सारे के सारे सहाफी सदर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ एक जहाज में सफर कर रहे थे, हवाई जहाज। अब चूंकि वो ख्रुश्चेव कम्युनिस्ट भी था, एथियस्ट भी था, तो जिस वक्त वो फिजा में सफर कर रहे थे, तो उसने मजाकन इन सहाफियों से कहा, जिनमें मुसलमान सहाफी भी थे, कि इस वक्त हम तुम्हारे अल्लाह से बहुत करीब हैं, तो क्या तुम अपना खुदा, अपना इलाह हमें दिखा सकते हो। यानी उसने मजाक के अंदाज में कहा कि अब तो बहुत ही ऊंचा उड़ रहे हैं, तुम कहते हो ना अल्लाह ताला आसमान की तरफ इशारा करके, अल्लाह ताला वहां पे, तो बताओ अल्लाह कहाँ पर। तो एक सहाफी था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप इस जहाज का गेट खोलें, एक कदम आगे रखें फिजा में, अल्लाह ताला आपको नजर आ जाए। तो इस बात को याद रखें कि अल्लाह ताला ने बेशुमार असबाब पैदा किए, अगर वो असबाब न होते तो फिर आपका इरादा कोई काम नहीं कर सकता। और इसी वजह से कहा, वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम किसी चीज को नहीं चाहते हो मगर ये कि अल्लाह ताला उसे चाहता। इसके बाद अगला मर्तबा है, चौथा मर्तबा, वो है अल्लाह ताला की ये सुन्नत कि अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उस नेकी के इरादे को उसके लिए आसान कर देते हैं, उसके लिए नेकी के असबाब पैदा कर देते हैं, और जो शख्स बदी का इरादा करता है अल्लाह ताला उसके लिए बदी का रास्ता हमवार कर देते हैं। इसके बारे में इरशाद फरमाया, वहदैनाहुन नजदैन, हमने उसको हिदायत दी, इंसान को हिदायत दी दोनों घाटियों की तरफ। नजद कहते हैं घाटी को, टीले को, यानी एक खैर का रास्ता है, एक शर का रास्ता है, हमने उसे हिदायत दी इन दोनों टीलों की तरफ। और फिर ये सुन्नत कि जो भी रास्ता आप इख्तियार करें अल्लाह ताला उस रास्ते को आपके लिए आसान कर देते हैं। इसके बारे में इरशाद फरमाया, फअम्मा मन आखा वत्तका वसद्दका बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुसरा वअम्मा मन बखिला वस्तग्ना वकज्जबा बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउसरा। तो एक रास्ता युसरा का है, दूसरा रास्ता उसरा का है, एक रास्ता आसानी का है, एक रास्ता तंगी का है। आसानी का रास्ता, फअम्मा मन आफा वत्तका, जो शख्स अल्लाह की राह में देता है, तकवा अख्तियार करता है, वसद्दका बिलहुस्ना, और जो हुस्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए इस्लाम, उसकी तस्दीक करता है, फसनुयस्सिरुहु लिलयुसरा, हम उसके लिए युसरा का रास्ता यानी जन्नत का रास्ता आसान कर देते। वअम्मा मन बखिला वस्तग्ना, जो शख्स बुखल करता है और उसके बाद तकब्बुर करता है, वकर्रब बिलहुस्ना, और हुस्ना का, इस्लाम का इनकार करता है, फसनुयस्सिरुहु लिलउसरा, तो हम उसके लिए उसरा का रास्ता यानी कि जहन्नम का रास्ता आसान कर दे। और इस चीज को आप सब महसूस करते हैं, एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है, घर से वो पहला कदम निकालेगा तो दूसरा कदम उसके लिए आसान हो जाएगा, तीसरा और आसान हो जाएगा, यहाँ तक कि वो मस्जिद पहुंच जाए। रमजान का महीना शुरू होता है, बतेरे लोगों के लिए पहला रोजा रखना ही बड़ा शाक होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। आपने पहला रोजा रखा, उसके बाद दूसरा आसान हो गया, तीसरा और आसान हो गया, यहाँ तक कि 30 के 30 रोजे आसानी के साथ गुजर गए। और इसी तरीके से एक शख्स बदी का रास्ता इख्तियार करता है, शराब खाने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो एक कदम के बाद दूसरा कदम, यहाँ तक कि वो शराब खाने में पहुंच जाता है। उसने बदी का रास्ता इख्तियार किया, वो रास्ता उसके लिए आसान हो। और जिस तरीके से शराबियों ने कहा कि हर शराब के प्याले में से, हर शराब के गिलास में से एक गिलास और सर उठा के कहता है कि मुझे भी पी, मैं भी तेरे इंतजार में। मैं कोई तजर्बे से नहीं बता रहा इसलिए कि नऊज़ुबिल्लाह, ये बात मैंने कहीं पढ़ी है जी। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक, हर शख्स के लिए वो रास्ता आसान कर दिया गया है जिसके लिए वो पैदा किया गया। और इसकी बहुत ही आसान सी मिसाल है, सादा सी मिसाल है कि एक बच्चा बोलना कैसे सीखता है। पहले वो एक कलमा सीखता है, पहले अब्बू कहता है, अम्मी कहता है, बहरहाल ये अम्मी पहले कहना चाहिए वरना अम्मी यहाँ नाराज हो जाएंगे। अम्मी कहता है, अब्बू कहता है, उसके बाद सीखना शुरू कर देते, और उसके बाद फिर बोले चला जा रहा है, तूफान बन जाता है। तो ये बात हर एक शख्स अपने घर के अंदर देखता है कि बच्चे कैसे बोलना सीखते। इसी तरीके से बच्चा चलता कैसे, पहले रेंगता है और उसके बाद किसी चीज को पकड़ के चलने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर चलना शुरू हो जाता है, फिर भागना शुरू हो जाता है, फिर घर से भाग जाता है। ये चौथा मर्तबा है। उसके बाद पांचवा मर्तबा वो ये कि इरादे में और अल्लाह ताला की रजा के अंदर फर्क, यानी गो इस कायनात के अंदर जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला के इरादे से होता है। अल्लाह ताला के इरादे के बगैर कोई चीज वाकई नहीं हो सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज से राजी भी हो। इसलिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, ला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र,
अपने बंदों के लिए वो कुफर पसंद नहीं करता है, लेकिन कुफर वाकई होता है।